हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी। कॉलम नंबर ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके सामने कॉलम नंबर बी में उनकी मीनिंग दी गई है, जिनको ऊपर नीचे करके लिखा गया है। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये डिफ़िकल्ट मीनिंग्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग आती है। आपने करना क्या होगा कि वर्ड को पढ़ना है और कॉलम नंबर बी से उन मीनिंग को सर्च करके, तलाश करके जो सही मीनिंग है बिल्कुल वर्ड के सामने लिखनी है। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है पैशन, और पैशन की जो मीनिंग हमने यहाँ निकालिए कॉलम नंबर ए बी में एच, एच में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इमोशन। इसी तरह यहाँ पर दूसरा वर्ड है आर्मर, आर्मर की मीनिंग है डी में। डी में क्या लिखा हुआ है देखें आप, डी में लिखा हुआ है मेटालिक कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो दिफा करने में काम आती है। नंबर थ्री रिमर्स, रिमर्स का उर्दू में मतलब होता है अफवाह, और इसकी मीनिंग जो दी गई है वो दी गई है ए में। तो ए में लिखा हुआ है अनवेरीफाइड और डाउटफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस मालूमात के बारे में कोई तस्दीक ना की गई हो, शक हो। उसके बाद है वर्ड कंसाइंस, कंसाइंस का उर्दू में मतलब होता है कि ज़मीर की आवाज़, और यहाँ पर इसकी मीनिंग निकाली गई है ई में। यहाँ लिखा हो ओके, यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखाई बताई गई है ई में। ई में लिखा हुआ है मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि हमारा ज़मीर जो है हमें बताता है कि अखलाक के लिहाज से क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, उसके बाद है रीट्रीट, और रीट्रीट की मीनिंग दी गई है बी में। बी में लिखा हुआ है मूव बैक लिखा हुआ है। उसके बाद है नंबर सिक्स सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स की मीनिंग दी गई है जी में, और जिस तरह से जी में लिखा हुआ है सेलेविश बॉन्ड्स, यानी कि गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद, गुलामी की जंजीरें। तो क्या हुआ सर्वाइल माने कि सेलेविश, सेलेविश का मतलब होता है कि गुलामी, और बैंड्स दोनों में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है बैंड्स और वहाँ बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या है कि जंजीरें। और नंबर सेवन है इनवॉय, इनवॉय का मतलब होता है कि जेलिस, और इसकी मीनिंग दी गई है सी में। इसकी मीनिंग दी गई है जेलिस की दी गई है मीनिंग सी में। सी में क्या लिखा हुआ है आप देखें, जेलिस लिखा हुआ है। नंबर एट और लास्ट लिखा हुआ है रॉइन, रॉइन की मीनिंग दी गई है एफ में, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाह।